कानपुर में मौदाह कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों हत्यारोपी हैं। इन्होंने लूट के इरादे से 27 फरवरी की रात मौदाह कोतवाली क्षेत्र के रमना गांव के पास इदरीस नाम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इन दोनों में से एक लाल शर्ट पहने ये शख्स इरशाद उर्फ छोटू है। ये प्रॉपर्टी डीलर इदरीस का भांजा है, जो जलालपुर थाना क्षेत्र के धवाल गांव में रहता है। इसने अपने साथी परशुराम के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। हत्यारोपी इरशाद का कहना है कि इसकी इदरीस के साथ मारपीट हुई थी, उसने उसे जान से नहीं मारा था। किसको लेने? वहाँ से रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने गालियाँ दी थी, तो मारपीट हुई। उसके बाद मारपीट हुआ, हम चले गए। मर्डर तुमने नहीं किया? जब हम गए थे तब वो जिंदा था। मारपीट के बाद वो जिंदा था? हाँ। कौन? मामू। जिस दिन ये हत्या की गई उस दिन ये दोनों इदरीस के घर पहुंचे हुए थे और सीसीटीवी में कैद हो गए थे। पुलिस तभी से इनको पकड़ने की कोशिश में लग गई थी और आज पुलिस को कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने लूटे गए कुछ रुपए और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। इदरीस से लेके गए थे वो लोग, उसकी भी बरामदगी पुलिस टीम ने की है और ऐसे साक्ष्य इकट्ठे किए हैं इस पूरे अभियोग में, इस हत्या के अभियोग में, ताकि इन अभियुक्तों को बाद में सजा दिलाने में जो कनेक्टिंग जो एविडेंस होते हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से पूरे टीम के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। तो एक बहुत अलग सी चीज है इसमें, हत्या के अनावरण के साथ साथ गिरफ्तारी के साथ साथ ऐसे एविडेंस क्लोज किए गए हैं कि ये अभियुक्त जो है जब न्यायालय में इनके साथ गवाही होगी और इनका पूरा साक्ष्य देखा जाएगा तो जरूर से जरूर आप लोग तो रहेंगे यहाँ पे, देखेंगे इनको सजा भी होगी। चंद पैसों की लालच में भांजे ने अपने मामा का खून करके रिश्तों को शर्मसार किया है और अब पुलिस हत्यारोपी भांजे इरशाद उर्फ छोटू और उसके दोस्त परशुराम को जेल भेज रही है। हमीरपुर से इरशाद रिजवी, न्यूज 75.in।